हेलो एंड वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स ओपन। नया महीना स्टार्ट हो रहा है एंड काफी ज्यादा इवेंटफुल महीना स्टार्ट हो रहा है। अगस्त में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स हैं अलग अलग स्पोर्ट्स में, तो आज इस वीडियो में उसी की बात करते हैं। शुरू करते हैं फुटबॉल से। फुटबॉल में इस महीने में कोई इंटरनेशनल गेम नहीं है, इंडियन टीम नहीं खेल रही, बट दुनिया का थर्ड ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट, इंडिया का ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट ड्यूरेंट कप, वो शुरू हो रहा है 3 अगस्त से। 132nd एडिशन है इस बार इस प्रेस्टीजियस टूर्नामेंट का। सारी बड़ी टीम्स डोमेस्टिक हमारी खेलने वाली हैं इस टूर्नामेंट में, एंड दो बाहर की टीम्स भी खेलने वाली हैं। नेपाल आर्मी की टीम आ रही है इस बार ड्यूरेंट कप में खेलने के लिए। 27 साल के बाद ऐसा कुछ हो रहा है, तो ब्रिलियंट टाइम्स अहेड इन दिस मंथ। फिर आते हैं हॉकी में। हॉकी में एशियन चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हो रही है 3 अगस्त से ही। ये भी शुरू हो रहा है टूर्नामेंट। 6 कंट्रीज रहेंगी इस टूर्नामेंट में, एंड काफी सालों बाद, इनफैक्ट 16 सालों बाद चेन्नई में एक इंटरनेशनल हॉकी टूर्नामेंट होने वाला है, तो उस चीज की भी एक्साइटमेंट है। हमने पिछले कुछ टाइम में देखा कि ओडिशा में ही सारे मेजर हॉकी टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, तो धीरे धीरे करके अलग अलग पार्ट्स में जा रही हॉकी। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है इंडियन हॉकी के और ज्यादा एवोल्यूशन के लिए। हमने अभी देखा मेंस टीम ब्रॉन्ज मेडल जीत के आई स्पैनिश फेडरेशन की 100th एनिवर्सरी टूर्नामेंट में। उसी टूर्नामेंट में विमेंस टीम गोल्ड मेडल जीत कर आई, तो ये एक और एक्साइटिंग टूर्नामेंट होने वाला है इंडियन हॉकी के लिए, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी, एंड एशियन गेम्स के लिए एक बहुत अच्छा मोमेंटम बिल्डअप हो सकता है अगर इस टूर्नामेंट में हम अच्छा करते हैं। इस टूर्नामेंट में जो 6 टीम्स हैं उन पे एक बार नजर डालते हैं। इंडिया है ऑब्वियसली, पाकिस्तान है, चाइना है, मलेशिया है, जापान है और कोरिया है। चांसेस अच्छे हैं हमारे, चांसेस हैं कि हम ये टूर्नामेंट जीत सकते हैं। होम क्राउड का सपोर्ट एक बहुत बहुत बड़ा एडवांटेज देता है हमको, एंड आई रियली रियली होप ये हो जाए, हमारी टीम एक्चुअली ट्रॉफी जीत कर आए एंड एशियन गेम्स के लिए एक बहुत अच्छे मोमेंटम के साथ जाए। फिर बात करते हैं क्रिकेट की। क्रिकेट का हमने देखा है वनडे सीरीज जो वेस्ट इंडीज के साथ चल रही थी 3 मैच की, उसका अभी इनफैक्ट आखिरी मैच शुरू हो चुका है। इस मैच में भी रोहित शर्मा, विराट कोहली नहीं खेल रहे हैं फॉर वॉट एवर रीजन, नहीं लेके जाना था ना उनको यार, टेस्ट के लिए गए भी थे, तो वनडे से पहले जैसे सिराज को आवाज भेजा था, इन दोनों को भेज देते अगर नहीं खेलना आपने, एक्सपेरिमेंट ही करने। बट अगेन मैं इस बारे में बात कर चुका हूँ। अगस्त में 2 T20I सीरीज है। पहली सीरीज वेस्ट इंडीज में ही है 5 मैचेस की, 3 अगस्त से शुरू है। 13 अगस्त को ये लास्ट मैच है इस सीरीज का। उसके बाद है इंडिया वर्सेज आयरलैंड, आयरलैंड जाना है टीम ने। 18 अगस्त को ये सीरीज स्टार्ट है। इसकी हमने कल वाले वीडियो में बात करी, कैसे जसप्रीत बुमराह अपना लॉन्ग अवेटेड कमबैक मार रहे हैं इस सीरीज में। कैप्टन है वो इंडियन टीम के उस पर्टिकुलर सीरीज के लिए, तो वो भी एक क्रिकेटिंग लॉजिक से उतनी ज्यादा एक्साइटिंग शायद ना भी हो, पर ये पर्टिकुलर चीज देखने के लिए कि जसप्रीत बुमराह किस तरह से वापस आते हैं फिटनेस में, वो काफी इंटरेस्टिंग फैक्टर रहेगा। सेम गोस फॉर प्रसिद्ध कृष्णा, उनकी भी वापसी है, उनको भी देखने में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा कि किस तरह से वापसी करते हैं। फिर आते हैं बैडमिंटन पे। बैडमिंटन में हमारे प्लेयर्स काफी टाइम से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ये साल काफी अच्छा रहा है, स्पेशली सात्विक चिराग के लिए, लक्ष्य सेन के लिए, HS प्रणॉय के लिए। बैडमिंटन के लिए भी एक बहुत बड़ा महीना होने वाला है। पहला तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो आज से ही शुरू हो चुका है ऑलरेडी, एंड 6 अगस्त तक चले गए। उसके बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप्स, ये बहुत ज्यादा क्रूशियल टूर्नामेंट है। यहाँ पे अगर बहुत तगड़ा परफॉर्म करते हैं तो इंडिया का जो धीरे धीरे करके एक पावर बन रहे हैं ना बैडमिंटन में, हम लोग यहाँ पे और ज्यादा सॉलिडिफाई कर पाएंगे हम अपना स्टैचर की। हाँ जी, आज की डेट में वी आर अ फोर्स टू बी रेकन्ड विद। टेबल टेनिस पे 3 WTT डॉल्स अभी के लिए शेड्यूल्ड है, एंड ये कई बार ऐसा नहीं होता कि एक ही महीने में 3 इतने बड़े टॉर्स अरेंज हो ऑलरेडी। TT में इस महीने में 31 जुलाई कल से एक तो शुरू हो गया आपका WTT लीमा में, फिर उसके बाद आपका रियो डी जेनेरो में है 7 अगस्त से, फिर उसके बाद अल्माटी में है 29 अगस्त से। इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी कि यहाँ पे जाके अपने आप को अलग अलग स्टेजेस में टेस्ट कर सकें और ज्यादा इम्प्रूव कर सकें, बिकॉज अगेन एशियन गेम्स अगले महीने है सेप्टेम्बर में, उसके लिए लॉन्च पैड है इस तरह के सारे टूर्नामेंट्स। यहाँ पे आप अपना मोमेंटम, अपनी तैयारी अच्छी सॉलिड कर सकते। फिर आते हैं हम लोग शूटिंग पे। शूटिंग में ISSF शूटिंग चैंपियनशिप है, वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप है 17 अगस्त से। शूटिंग में भी हमने पिछले कुछ टाइम में अलग अलग प्लेयर्स का अच्छा परफॉर्मेंस देखा है। मनु भाकर हो गए, सौरभ चौधरी हो गए और भी बहुत सारे प्लेयर्स, इन सब के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी फॉर श्योर। वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप है यार, कोई छोटा मोटा टूर्नामेंट नहीं है, एंड ये एक ओलंपिक क्वालिफिकेशन इवेंट है, तो यहाँ पे कोटाज मिलेंगे जो जो भी रहता है। यहाँ पे जो जीतता है उसका अगले साल का वर्ल्ड कप और अगले साल के ओलंपिक्स में एक स्पॉट पक्का हो जाएगा, तो ये एक एडेड इंसेंटिव है शूटर्स के लिए हमारे। सेम गोज फॉर सेलिंग। सेलिंग की भी वर्ल्ड चैंपियनशिप है 10 से 20 अगस्त।
ये भी एक वर्ल्ड ओलंपिक क्वालिफिकेशन इवेंट है, यहाँ पे भी जीतने एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है अगले साल के ओलंपिक्स में खेलने का मौका मिलेगा यहाँ पे जीतने के बाद। फिर आते हैं एथलेटिक्स। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप शेड्यूल्ड है इस महीने के लिए, 19 अगस्त को शुरू हो रहे हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है इस पूरे चैंपियनशिप के अराउंड। नीरज चोपड़ा ने पिछली बार बहुत तगड़ा परफॉर्म किया था, उनके अलावा इस साल हमारे पास और भी प्रॉमिसिंग कंटेंडर्स हैं। अविनाश साबले अच्छा कर रहे हैं पिछले कुछ टाइम में, मुरली श्रीशंकर ने अच्छा किया है पिछले कुछ टाइम में, प्रियंका गोस्वामी ने अच्छा किया है, और भी बहुत सारे एथलीट्स, बहुत सारे प्रॉमिसिंग एथलीट्स होंगे जो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। तो यहाँ पे उम्मीद बन रही है थोड़ी सी। आई रियली रियली होप सारे बहुत तगड़ा करें एंड हमारे और ज्यादा मेडल्स आए। हमारे पास दो ही हैं अभी तक इस प्रेस्टीजियस टूर्नामेंट में। आई होप यहाँ पे ही इसी महीने में और ज्यादा एडिशंस हो इस मेडल टैली में। आर्चरी की भी वर्ल्ड चैंपियनशिप चल रही है, अभी कल से शुरू हुई है, वो 6 अगस्त तक चलेगी। ये भी एक ओलंपिक क्वालिफिकेशन इवेंट है। तो आप देख लो अगस्त पूरा महीना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट इंडिया की प्रेस्टीज के लिए अलग अलग स्पोर्ट्स में, बट ऑल्सो इंडिया के होप्स के लिए आने वाले ओलंपिक्स में, क्योंकि यहाँ से बहुत कुछ डिसाइड हो जाएगा कि हमारे कौन से एथलीट्स कितने ज्यादा स्पॉट्स अपने लिए फिक्स कर पाते हैं अगले ओलंपिक्स में। इसके अलावा बास्केटबॉल, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, इन सब में एशियन क्वालिफायर्स या एशियन चैंपियनशिप्स हैं इसी महीने में शेड्यूल्ड। तो ओवरऑल एक जैम पैक्ड मंथ है, एक बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट वाला मंथ है, एंड एक ऐसा महीना है जहां पे हम लोग लिटरली हर दिन कोई ना कोई अच्छी खबर की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं एंड होप रख सकते हैं कि यार कुछ ना कुछ एक अच्छी चीज सुनने को मिले इंडियन स्पोर्ट्स। आपका क्या सबसे ज्यादा ऐसा लग रहा है आपको कि यार इधर सबसे ज्यादा उम्मीदें जुड़ी हुई है, यही चीज है जिसके बारे में आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट लेवल है, वो नीचे हमें कमेंट में जरूर बताएं। ये वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट में जरूर बताएं, और अगर अच्छा लगा तो नीचे लाइक का बटन प्लीज दबा दो। बाकी इस तरह का कंटेंट अगर पसंद आ रहा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।